के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेसहारा व आवारा पशुओं के लिए निर्मित कान्हा उपवन गौशाला का प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। कहा, किसानों के फसलों की रक्षा के साथ नहीं हो सकेगा कोई भी व्यक्ति इनके हमलों से घायल। गौशाला में चारा पानी व पशु चिकित्सक रखने के दिए निर्देश। काशी के घाटों के तर्ज पर राप्ती नदी पर बन रहे हैं घाट। एक पर होगा अंतिम संस्कार तो दूसरे पर होगी गंगा राप्ती आरती। सीएम योगी ने किया निर्माणाधीन घाट का दौरा। जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक। अभियान में संतोषजनक कार्य न होने पर जल निगम के अभियंता कार्यकारी अधिकारी मत्स्य को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे सीएम योगी। किया गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सोमवार को अयोध्या होंगे रवाना। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में हुए रवि निषाद की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सीओ कोतवाली ने कहा, शराब के नशे में की गई थी हत्या। सभी अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बेतिहाता स्थित एक पार्क में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया पौधरोपण। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व जिले के पार्टी प्रभारी पंकज सिंह भी रहे मौजूद। कहा, राजनीतिक सरोकार के साथ सामाजिक सरोकार का भी दायित्व निभाती है भाजपा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा ने दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ बनाकर लिखी नई इबारत। इस कॉम्प्लेक्स पदार्थ की चमक क्षमता है 91.9%, जिससे 2 वाट के एलईडी में 20 वाट तक की मिल सकेगी रोशनी। भाजपा के सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। बनाए जाएंगे अधिक से अधिक सदस्य। पंकज सिंह ने कहा, लोगों ने 2019 में बहुमत देकर किया साबित सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित हुआ डेंटल चिकित्सक शिविर। प्रशिक्षु महिला आरक्षियों को दी गई दांतों के रख रखाव की जानकारी के साथ निःशुल्क परामर्श व दवाएं। और दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ की खोज करने वाली DDU की शोध छात्रा इफ़त अमीन को पूर्व मेयर ने किया सम्मानित। का विज्ञान के क्षेत्र में अपनी खोज से एक नया आयाम स्थापित किया है इफ़त अमीन ने।